तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आशा, शुरू देख रहे हैं हार्श गेमिंग। और तो आज वीडियो को बताऊँ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड डिवाइस में स्पाइडरमैन 3, एक बहुत ही बेहतरीन PSP का गेम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये गेम मिला है कंप्रेस्ड करके, वो भी 15 MB के साइज में। 15 MB का कोई एक ही पार्ट नहीं है, सबसे पहले बताऊँ ये पार्ट है, कम से कम 93 पार्ट्स हैं। ये बात सोच के हैरान मत होना, क्योंकि ये पार्ट्स में डिवाइड मैंने नहीं करा है। जिसने भी करा मुझे नहीं पता, उसे सल्यूट करता हूँ जिसने भी पार्ट्स में डिवाइड करा है, और मुझे नहीं पता किसने करा है। जिसको मैं आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के, वहाँ से आप यूट्यूब से प्ले स्टोर से यूट्यूब टाइप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस लिंक को आप यूट्यूब में खोल लीजिएगा, उस जो मैं कमेंट फाइल दूंगा उस फाइल को, वहाँ से आके 93 MB फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 MB की 93 फाइल्स हैं, सारी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको गेम एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको बताऊँगा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो गेम प्ले में आपके सामने चल रहा है, ऐसा मेरा गेम प्ले बहुत बेहतरीन चल रहा है, आपके सामने मैं गेम प्ले चला रखा है, बहुत ही अच्छा गेम मेरा चल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है और एक्स्ट्रा कैसे करना है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद मैं डाउन फोल्डर में जाने जाए तो फाइल डाउनलोड कर रखी है, पर मिस अगर फाइल डाउन करेंगे यूट्यूब रेंट से तो सारी फाइल आपकी डाउन फोल्डर में ही जाएंगी। इस तरीके के स्पाइडरमैन 3 नाम का फोल्डर बनेगा, स्पाइडरमैन 3 फोल्डर में जाना है। देख सकते हो सारी फाइल्स पड़ी है, 93 MB की 93 फाइल्स पड़ी हैं, और सारी 15 MB की फाइल है। सिर्फ एक ही फाइल्स में लास्ट वाली फाइल 8 MB की होगी। सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है, और जिसमें रार फाइल है उसे उस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। और सारी फाइल्स ध्यान से एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करिएगा, कोई भी फाइल रहेगी तो आपका गेम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इस फाइल पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है, आपको जो गेम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले से मैंने ISO एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो मेरी SD कार्ड में ISO पड़ी है, तो मैं दोबारा आपको एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे फोन में समय स्पेस नहीं है। मैं एक्सट्रैक्ट करके जरूर दिखाता। तो अब चलते सीधे अपने PSP मॉनिटर में गेम पे दिखाता हूँ गेम कितना बड़े चल रहा है। सेटिंग बता दो, सेटिंग क्या करनी है। वैसे मुझे पता है सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो पता ही होगा आपको। तो सेटिंग आपको दिखा देता हूँ यार, बफर एंड फ्रेम स्किपिंग ऑफ रखनी है, और बाकी सब सेटिंग ज़्यादा है नहीं इसमें। और नीचे आता है, चलिए गेम ढूंढते हैं अपना। ये मेरा गेम पड़ा है डाउनलोड फोल्डर में, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक कर रखा था मैंने, और ये रहा मेरा गेम। और ये देख सकते हो कितना बढ़िया गेम चल रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यार सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स रह गई थी मेरी, कुछ सेटिंग आधी दिखाई थी मैंने, आधी नहीं दिखाई थी। तो पहले सेटिंग की तरफ चलते, थोड़ा सा गेम को दिखा देता हूँ खोल के कैसा गेम चल रहा है, और सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। तो यार आज लोडिंग हो जाए, लोडिंग। और फिर कह रहा हूँ सारी फाइल ध्यान से करिएगा, कोई भी फाइल लगे तो गेम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, आप एरर आ जाएगा और आधी फाइल एक्सट्रैक्ट होगी, और बाद में जब कमिट करेंगे। तो बैक चलते हैं, पहले दिखाते हैं फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, सेटिंग्स कैसे करनी है। सेटिंग्स करने के लिए सेटिंग में जाना है, और बफर एंडिंग होनी चाहिए, फ्रेम स्किपिंग ऑफ होनी चाहिए, और नीचे आना है, आपको दिखा देता हूँ, पैसिव मोड ऑफ होना चाहिए, और ये नेटिव डिवाइस रेजोल्यूशन होनी चाहिए 2XP होना चाहिए, सब पे टिक लास्ट में लो। और ज़्यादा नीचे कुछ सेटिंग्स करनी है, टाइमर है, डिसेबल स्ट्रीम टेस्ट ऑन, और ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ऑडियो में कुछ नहीं करना है, साउंड सिस्टम में सिर्फ होस्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। ये सेटिंग आपको पता ही है, कुछ नहीं करना, सेटिंग ज़्यादा कुछ काम था नहीं, आपको सेटिंग पता ही है क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। ये वो सिंपल सेटिंग्स आपको याद भी होंगे सेटिंग्स। तो गेम मेरा आराम से चल पड़ा है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आई 1% भी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। मुझे देखिए फिर कह रहा हूँ, ये फाइल्स मेरी नहीं थी, जिसने भी पासवर्ड डिवाइड करा है, मुझे मिली तो आपको ले आया, और ये बहुत अच्छी बात है, इतनी कम साइज में आपको मिल चुकी है। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।